नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। एक और सुपर संडे भारतीय टीम के नाम। पिछले हफ्ते भारत ने विशाखापट्टनम जीता था आज ही के दिन, और आज पारी और 137 रनों से भारत ने पुणे टेस्ट भी जीत लिया, यानी कि सीरीज 2-0 से भारत के नाम हो चुकी है। एक टेस्ट मैच बाकी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के 200 पॉइंट भी हो गए हैं। अब बड़ी बात यह है कि साउथ अफ्रीका इस तरह भारत के सामने बिखरा है जैसे वो टीम ही ना हो। लगातार कामयाबी भारत को मिल रही है। आज गेंदबाजों ने बड़ा कमाल किया, तेज गेंदबाजों ने खास तौर से। आमतौर पर जब आप भारत में खेलते हैं तो लगता है कि इसे स्पिनर्स भारत को जिताएंगे, लेकिन तेज गेंदबाजों ने, उमेश ने, मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी की, और ये विराट जीत है क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी और 137 रनों की जीत है। मदन जी स्टूडियो में है और सनी भाई पुणे से हमारे साथ हैं। एक दिन पहले भारत ने इस मैच को खत्म कर दिया, तो इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, देख लेते हैं ये जीत किस तरह से आई। सनी भाई, मैं सुबह सुन रहा था आपको, चूंकि 9:20 तक का वक्त था विराट कोहली के पास, 10 मिनट पहले उन्होंने बताना था साउथ अफ्रीका को कि आपने गेंदबाजी करनी है या बैटिंग, तो मैं आपका सुन रहा था। आपने कहा कि फॉलो ऑन कराना ही चाहिए। फॉलो ऑन कराने का फैसला सही था, आज ही निपट गया सब कुछ। जी हाँ, क्योंकि देखिए जो ओपनिंग बल्लेबाज होते हैं, अगर उनको आधे घंटे का भी वक्त मिलता है, समय मिलता है, तो अपने आप को मन से तैयार कर सकते हैं। तो ये जो फॉलो ऑन की जब बात होती है, तो सिर्फ रोलिंग के लिए जो 10 मिनट बिटवीन द इनिंग, जैसे कि 10 मिनट दिए जाते हैं, तो उस मतलब 11 मिनट पहले आप उनको कह सकते हैं, उस वक्त कह सकते हैं कि आप वापस बैटिंग करिए। तो उसमें जो ओपनिंग बल्लेबाज हो या नंबर 3 का जो बल्लेबाज हो, उसको इतना वक्त नहीं मिलता अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसीलिए तो अच्छी बात थी विराट ने की कि 9:15 9:16 को उन्होंने अंपायर और फाफ डुप्लेसी को कहा कि आप वापस बैटिंग करिए। अगर पहले कहते, अगर कल रात को कहते या आज सुबह मैदान पर आकर वो कहते, तो उनके जो बल्लेबाज थे वो अपने आप को मन में तैयार करते कि इस तरह की पारी खेलनी होगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चाल थी विराट की। लेकिन सनी भाई, नथिंग टू टेक अवे कि भारत ने जबरदस्त क्रिकेट खेली, और आज नहीं खेली है भारत ने, लगातार टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेला है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका देखकर आप हैरान हुए हैं। ठीक है, वो ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इतना बुरा साउथ अफ्रीका होगा आपने सोचा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सच कहूं तो मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि मैं साउथ अफ्रीका को पोपट वाली टीम कहूं, पर अब जो आज का जो प्रदर्शन देखा है उसके बाद में, और पिछले 2-3 दिनों और पिछले 2 टेस्ट मैच में जिस तरह से प्रदर्शन देखा है, तो अब ऐसा कहना होगा कि ये साउथ अफ्रीका की टीम भी एक पोपट वाली टीम है। देखिए, कप्तान ने जिस तरह से कप्तानी की है, उनके कप्तान ने, और फील्ड प्लेसिंग में कोई दम नहीं, फील्ड प्लेसिंग कहाँ पे कहाँ रखना है वो भी ठीक तरह से जानते नहीं थे। उनका जो बर्ताव होता था जब ओवर खत्म होती थी, तो जिस तरह से वो अपनी जगह पर जाते थे, उसमें कोई एनर्जी नहीं दिख रही थी। और आप दूसरी तरफ देखें, विराट कोहली एनर्जी पर एनर्जी हर गेंद पर इतनी ज़बरदस्त, मतलब वो एंथुजियाज्म दिखाते हैं कि बाकी के सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो भी एनर्जाइज हो जाते हैं। तो वो एक बात होगी। फिर उनकी जो बल्लेबाजी थी, हाँ मैं मानता हूँ कि ये ट्रांजिशन बोल रहे, पर ट्रांजिशन के की बात भी करे हैं तो इनके जो 8 प्लेयर्स हैं 11 में से, वो पिछले 3 साल से खेल रहे हैं, तो ट्रांजिशन कौन सी होगी? तो ट्रांजिशन तो है नहीं। ट्रांजिशन जब होती है पिछले 8 महीने में, अगर आपके पास 8 नए खिलाड़ी हो, तो यहाँ पे तो 3 साल से उनके 8 प्लेयर तो खेलते आए हैं। रबाडा खेलता है, फिलैंडर, फाफ डुप्लेसी, क्विंटन डीकॉक, तो उनके पास ट्रांजिशन तो बिल्कुल है नहीं। बात सीधी है कि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो अच्छी टीम है नहीं, और भारतीय टीम ने जिस या ये कहना होगा कि भारतीय टीम ने उनको अच्छा खेलने का मौका ही नहीं दिया। सही बात है। और मदन जी, कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में जो इंडिया का इंटेंट है, ठीक है विदेश में जाकर हम पिछले साल साउथ अफ्रीका में भी हारे, इंग्लैंड में भी हारे, अपनी गलतियों से हारे, लेकिन कम से कम वो इंटेंट है भारत की जीत के लिए खेलने की। कप्तान को आप ठीक है बल्लेबाजी के लिए तारीफ करेंगे, लेकिन तेज गेंदबाजों को जिस तरह से उन्होंने बैक किया है टेस्ट क्रिकेट में, आप फिटनेस देखिए, मोहम्मद शमी को देखें आज आप, उमेश यादव को देखें, ईशांत शर्मा को देखें, बुमराह की कमी आपको खल नहीं रही है? नहीं, देखिए बुमराह तो क्लास बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि पेसर जो है, और हमारे स्पिनर को मिला के, दोनों स्पिनर को मिला, पेसर को मिला के, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बॉलिंग अटैक है। और देखिए, उन्होंने हर बार टीम को आउट किया है,
20 विकेट निकाले हैं। और जैसे आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, विराट कोहली ने देखिए ये बड़ा जरूरी रहता है कैप्टन के लिए ये सोचना कि मेरा पेस अटैक अच्छा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपको शुरू शुरू में ब्रेक थ्रू मिलना बड़ा जरूरी है ताकि जो स्पिनर है वो भी आपको प्रेशर डाल सकें। आज देखिए इंडियन टीम जो है चार दिन में मैच खत्म कर रही है और अच्छी विकेट पे, अच्छी विकेट ये पे, वो उस तरह के गड्ढे विकेट नहीं है, ये सबसे बेस्ट विकेट था हमारे बॉलर ने जो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, बेहतरीन बॉलिंग किया और उनके जो लाइन थी बहुत जबरदस्त लाइन। अगर साउथ अफ्रीका के जो इतने एक्सपीरियंस बॉलर है जो इतने सालों से खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी लाइन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमारे बॉलर ने लाइन अच्छी डाली है, इसी वजह से हमारे पेसर ने भी विकेट निकाले हैं। और हमारे पेसर का तो गेंद कैरी कर रहा था, वो विकेट कीपर पर यहाँ जाकर पकड़ रहा था, और हैट्स ऑफ टू मोहम्मद शमी, मैं कहता हूँ कि कमाल है वो, जैसे वो उसकी फिटनेस और जैसे वो भाग रहा है, जैसे वो गेंद कर रहा है, और उमेश यादव को उसको वापसी उसकी हुई है और कमाल है, क्योंकि उन्होंने देखिए ये बड़ा जरूरी रहता है कि आप ब्रेक के बाद आ रहे हैं पर टीम के साथ लगे रहना बड़ा जरूरी है। उमेश ने कहा कि हमें पता है कि हेल्दी राइवलरी है, कंपटीशन है भाई, कभी मौका मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा तो मौके को भुनाना होगा। सनी भाई अब इस सीरीज में एक टेस्ट मैच बचा है, हम जानते हैं कि जो टीम भारत आती है हम 3-0, 4-0, 5-0 की बात करते हैं, ये साउथ अफ्रीका की टीम कुछ कर सकती है या फिर अगला टेस्ट मैच भी इसी तरह से होगा 3-0 इंडिया होगा, इस सीरीज के बाद इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 240 पॉइंट होंगे? देखिए काफी तो पिच रांची की पिच कैसे होगी उस पर भी निर्भर होगा, पर हमने देखा है कि ये जैसे कि मदन ने कहा कि ये जो पिच थी वो स्वयं अब जो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में थे शॉन पोलॉक और ग्रैम स्मिथ, वो कह रहे थे कि उनकी वो सेंचुरियन की जगह होती है, सेंचुरियन की पिच होती है, वैसी पिच थी बिल्कुल। तो अगर उस पिच पर साउथ अफ्रीका ठीक तरह से नहीं खेल पा रही है तो मतलब विशाखापट्टनम और रांची में कैसे प्रदर्शन इम्प्रूव करेंगे, तो ये तो बिल्कुल मतलब आप लिख सकते हैं कि ये श्रृंखला भारत 3-0 से ये जीतने वाला है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 200 पॉइंट ऑलरेडी हो गए इंडिया के, हो सकता है हफ्ते बाद 240 हो जाएं, हो सकता है एक महीने बाद 360 हो जाएं जिस तरह की शेड्यूलिंग है, और अभी तो वो टीमें सनी भाई जो दूसरी है वो 60 पॉइंट पे बैठी हुई है वो टीमें। जी हाँ बिल्कुल, ये तो इसीलिए तो जिस तरह से भारतीय टीम हर टेस्ट मैच को अप्रोच करती है वो अप्रोच इसीलिए कि फाइनल में 2021 में फाइनल में अपनी जगह पक्की करने की है, और इसीलिए ड्रॉ वगैरह के बारे में बिल्कुल सोचेंगे नहीं, हर मैच को जीतकर पूरे पॉइंट्स हासिल करना चाह रही है ये भारतीय टीम। सनी भाई एक सवाल उठता है, और मैं और मदन जी भी हर रोज शो में और स्पोर्ट्स तक पे भी यही चर्चा करते हैं, लोगों का बड़ा सवाल आता है कि वो हाथी जब निकल जाता है तो पूंछ क्यों परेशान करती है वो, यहाँ पर भी हल्का सा परेशानी हुई, पहली पारी में परेशानी हुई, पिछले टेस्ट मैच में परेशानी हुई, ये टेल को लेकर क्या हो जाता है इंडिया को? देखिए गेंद होती है वो थोड़ी सी मतलब मुलायम हो जाती है और उससे जो ग्रिप और जो उछाल मिलती है पहले वो भी थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी बात हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम काफ़ी गर्मी में भी ये मैचेस खेल रहे हैं तो बॉलर्स भी तो थोड़े से थक जाते, तो उनकी उंगलियां थोड़ी सी थक जाती है तो वो उसमें स्पिन ज़्यादा नहीं कर सकते, कंधों में कभी कभी तकलीफ होती है तो वो थोड़ी सी तेज़ी जो बनती है गेंद डालने की वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये होता है। और दूसरी एक अहम चीज़ है कि जो ऊपर के जो बल्लेबाज होते हैं मतलब जो रेगुलर बल्लेबाज होते हैं वो गेंद के काफ़ी नज़दीक जाते हैं क्योंकि उनके पास वो बैटिंग की काबिलियत होती है, तो गेंद के नज़दीक जाकर उनकी एजेस बनती है, जो नीचे खेलने वाले हैं वो गेंद के इतने नज़दीक नहीं जाते, तो इसीलिए काफ़ी बार वो प्लेयर मिस होता है जिससे फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाती है। पर हाँ ये भी हमें मैं समझता हूँ कि विराट रवि शास्त्री इसके बारे में जरूर सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है कि नंबर 8, 9, 10, 11 को वो आसानी से आउट नहीं कर पा रहे। सही बात है, लेकिन फिलहाल तो आज भारत की ये बड़ी जीत है क्योंकि इनिंग और 137 रन। अब देखिए किसी जमाने में साउथ अफ्रीका क्या टीम हुआ करती थी 1991 में वो आए, लेकिन आज इस टीम को देखकर वो खिलाड़ी भी सोचते होंगे कि क्या हम इसी टीम से खेलते थे। खैर फटाफट जाए 8 बजे आज ये जीत का जो महाजश्न आपके साथ मनाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, अपनी राय तैयार रखिए, अपनी राय इस जीत पर तैयार रखिए। सनी भाई और मदन जी लौटेंगे हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।